हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज अपन 5000 एमसीक्यू है जनरल साइंस के, उसका सेट नंबर अपन 10 की बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोगों ने नहीं किया है। तो अपन देखिएगा 715 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 716 के। ओके, तो शुरुआत करें क्वेश्चन के साथ में, फटाफट जुड़ जाइएगा। और आज अपन थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, कोशिश करेंगे थोड़े कुछ और ज़्यादा अपन वीडियो को लेंथी बनाए। ओके, तो फटाफट जुड़ जाएगा सेशन के साथ में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो अपन बाइलिंगुअल क्वेश्चंस की सीरीज पर चल रहे हैं, और जो सभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, तो कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अपना लाइव सेशन कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, कनेक्ट हो चुके हैं, आवाज़ वगैरह आ रही है। पहला क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे, रेडार का आविष्कार किसने किया? फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा, रेडार की फुल फॉर्म है किसी को पता? और रेडार किस प्रोसेस में काम करता है? आपका समुद्र में काम करता है, हवा में काम करता है, या जमीन के ऊपर आपका काम करता है? नेविगेशन में करता है, एविएशन में करता है, या किस में? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, AH टेलर एंड लियो सी यंग। टेलर और यंग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। रेडार है, इसका इन्वेंटर कौन है? आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, AH टेलर एंड लियो सी यंग। रेडार की फुल फॉर्म की बात करें, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और रेडार आपका हमेशा एविएशन सेक्टर में काम करता है, हवाई क्षेत्र में आपको रास्ता बताता है। क्लियर है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? अब ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है तो अपने से क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पे, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। जे.जे. थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ की ग्राम। ध्यान रखना है कि ग्राम लिखा मैंने, ग्राम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ग्राम लिखोगे तो 9.1 × 10⁻²⁷ ग्राम। क्लियर है? 27 आएगा ना, 3 घटा देंगे 28 आएगा, 10⁻²⁷ आएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका ग्राम के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। चार्ज की बात करें तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है किसके अंदर, नेगेटिव के अंदर। यह है इसके ऊपर चार्ज होता है, बोले तो आवेश की बात होगी। अब देखिएगा प्रोटोन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटोन के खोजकर्ता आपके यहाँ पे, प्रोटोन के खोजकर्ता आपके यहाँ पे गोल्डस्टीन है। प्रोटोन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन, और प्रोटोन के नामकरणकर्ता कौन है, प्रोटोन के नामकरणकर्ता आपका यहाँ पे रदरफोर्ड। ओके, चैडविक ने किसकी खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पे आवेश की वैल्यू कितनी होती है, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है। प्रोटोन पे कितना आवेश होता है, प्रोटोन पे आवेश होता है आपका +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। प्रोटोन का चार्ज होता है प्लस में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, आलू टमाटर और बैंगन तीन विभिन्न वर्ग है, तीन अलग अलग स्पेसीज है आलू टमाटर एंड बैंगन, परंतु वे किस वंश के अंतर्गत आते हैं सभी के सभी, किस वंश के अंतर्गत आते हैं? आ जाएंगे, आज अपन डिले हो गए थोड़ा सा, सब आ जाएंगे धीरे धीरे। आज अपना सेशन चलने वाला था 7 बजे, अपन लेट हो गए आज, आ जाएंगे धीरे धीरे सब। यहाँ पे आपका आंसर बनने वाला है सोलेनम, ऑप्शन नंबर एक के साथ में सोलेनम। आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, तीन अलग अलग स्पेसीज है, लेकिन कौन से जीन से संबंधित करते हैं, कौन से वंश से संबंधित करते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है सोलेनम नामक वंश से संबंधित करते हैं। ये जो वंश और जाति पे आधारित जो भी नामकरण किया जाता है, वंश और जाति आधारित नामकरण, जिसको अपन द्विनाम पद्धति बोलते हैं, ये द्विनाम पद्धति किसने दी थी, जो अपन टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण का पिता कहते हैं कार्ल लिनियस, वर्गीकरण का पिता कहलाता है कार्ल लिनियस। और पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, पांच जगत वर्गीकरण दिया गया था आपका RH वेटकर के द्वारा। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं, जाइलम का काम होता है नीचे से पानी को लेके जाना। फर्स्ट फॉर्मेट प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, जाइलम फाइबर्स, या जाइलम पेरेंकाइमा। सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व है वो क्या कहलाता है, इसका आंसर जाने वाला आपका प्रोटोजाइलम के साथ में, प्रोटोजाइलम ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, प्रोटोजाइलम। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि नेरिस फेरिटेमा केंचुआ
केंचुए का नाम है ये, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे अर्थवर्म को अपन बोलते हैं नेरिस रेटेमा, और आपका जो हीरू डेनेरिया है जिसको अपन बोलते हैं ब्लड चूसने वाला जोंक, ये दोनों के दोनों कौन से संघ के एग्जाम्पल हैं? आपको पता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का वगैरह आपकी जो संघ है, आर्थ्रोपोडा आपका सबसे बड़ा संघ होता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका और भी दे रखा है, आर्थ्रोपोडा एनिलिडा एस्केल्मेंथीज सिलेंट्रेटा, इसमें आपके जो केंचुआ और जो जोंक है इनके नाम याद कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इनके नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है नेरिश हेरिटेमा, और जोंक का नाम क्या होता है यहाँ पे हिरू डेनेरिया। ये दोनों के दोनों कौन से संघ के एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है एनिलिडा संघ के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा संघ। मानव के अंदर ध्वनि है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कानों के अंदर उपस्थित कौन सी चीज की वजह से होती है? नहीं, वो तो सुनाई देती है, उत्पन्न होती है गले से होती है, गले में कौन सी जगह से? मानव के अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है गले से उत्पन्न होती है, तो गले में कौन सी जगह से उत्पन्न होती है? इसका आंसर बनेगा आपका कंठ की सहायता से, लैरिंजियल या कंठ की सहायता से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा, कंठ। आगे का क्वेश्चन आपका, पुरुषों के अंदर वाक तंतु लगभग कितने मीटर लंबे होते हैं? एमएम में बात हो रही है, पुरुषों के अंदर अपने को बताना है, वोकल कार्ड की बात हो रही है, अपन वोकल कार्ड की सहायता से अपन बोल सकते हैं, वोकल कार्ड में ही आपका जो लैरिंजियल है वो उपस्थित होता है। वोकल कार्ड वाक तंतु पुरुषों के अंदर लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर बनेगा 20 mm, ऑप्शन नंबर बी के साथ में 20 mm, 20 mm याद कर लीजिएगा। पीछे एक क्वेश्चन और आएगा आगे जाके, फीमेल का भी आ जाएगा, डोंट वरी। मेल में होती है आपके यहाँ पे 20 mm, 20 mm। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षार और विलयन होते हैं। आपके जो मोस्ट लिक्विड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो किस किस का सॉल्यूशन होता है? एक तो एसिड का होता है, एक बेस का होता है, और किसका? जो भी सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वह किस किस का सॉल्यूशन होता है? एसिड का प्लस बेस का प्लस, एसिड प्लस बेस प्लस क्या आएगा यहाँ पे? कॉपर, एल्यूमिनियम, साल्ट या आयरन। सॉल्यूशन की बात हो रही है तो सॉल्यूशन के लिए आपका आएगा अम्ल क्षार और साल्ट, ABC, एसिड बेस और साल्ट का सॉल्यूशन होता है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। दूध मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मिल्क और मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें वन है या जंगल है उसको फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया? वह प्रक्रिया जिसमें वन है, फॉरेस्ट है, उसको फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था, पहले कभी मौजूद था और उसे नष्ट कर दिया गया, पहले मौजूद था उसे नष्ट कर दिया गया और उसको फिर से लगाया जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? वनों की कटाई या रिफॉरेस्टेशन या चौथा ऑप्शन यहाँ पे झूम, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सोडियम की खोज किसने की? 11 Na 23, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, जिसका द्रव्यमान 23 होता है, इसको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काट सकते हैं कमजोर धातु बंध की वजह से। इसका आंसर बनेगा हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बनेगा। सोडियम की खोजकर्ता कौन है? तो सोडियम के खोजकर्ता आपके यहाँ पे हम्फ्री डेवी। ओके, पृष्ठलीय खोजकर्ता आपके यहाँ पे ऑक्सीजन। देखिएगा आम की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इनके सभी वानस्पतिक नाम भी लिखे गए हैं। आम को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। तो मैंगो का तो यहाँ पे हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, रट लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे पोटैटो को अपन क्या बोलते हैं? पोटैटो को अपन बोलते हैं सोलेनम टिवेरी रोसम, और शेर होता है उसको अपन बोलते हैं पेंथ्रा लियो। ये आपके तीन नेम्स हैं इंडिका ट्यूबरसम एंड लियो का, रिप्रेजेंट करता है किसको? देखिएगा इंपॉर्टेंट है, चाहो तो अलग अलग से भी इनको रट सकते हो आप लोग। मैंगो का है मैग्नीफेरा इंडिका, आलू का है यहाँ पे सोलेनम, सोलेनम टिवी रोशम, सोलेनम टिवी रोशम, और शेर का यहाँ पे लिखा गया है पेंथ्रा लियो। ये इनका जो नाम है ये किस पे आधारित है? द्विनाम पद्धति पे है या टेक्सोनॉमिक पे
या एक पहचान है या कोई जाति संकेत पद है, तो अंश बनेगा यहाँ पे एक जाति संकेत पद, जाति संकेत पद। ये क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने जाति संकेत पद, स्पेसिफिक एपिथेट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख सकते हो, क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉयड और शवपोषी और मुख्यतः जलीय जीव है। क्लोरोफिल युक्त सिंपल थैलॉयड और ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक को बोलते हैं अपन शवपोषी, जो खुद ही अपना भोजन बनाता है, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक यानी बहुत बड़ी मात्रा में जलीय ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जलीय ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी मात्रा में, देखिएगा शैवाल है हो सकता है इसका, जिसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है और आपका खुद भी भोजन बनाता है और मुख्यतः जलीय, जलीय बोले तो चाहे वो अलवणीय हो, अलवणीय और समुद्री दोनों का जीव है। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सेल्गी। ओके ऑप्शन नंबर सी सेल्गी। क्वेश्चन आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे और अभी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन अपन SSC ऑनलाइन के ले रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन अपन RRB के ले रहे हैं। ओके और अपना टारगेट है ज़्यादा नहीं 5-6 हज़ार के समथिंग क्वेश्चन होंगे, बहुत बेनिफिट होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सडनली देखने को मिल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एनिलिडा और ऑर्थोपोडा आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप बाएं और दाएं भागों में बांटा जाता है, इसे क्या कहते हैं। सपोज कीजिएगा कोई जानवर है, ओके इसको अपन एक ही समरूप रेखा द्वारा दो अलग अलग भागों में बांट दें और दोनों भाग आपके बिल्कुल समरूप है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये किस प्रकार की सिमेट्री कहलाती है। एनिमल्स लाइक एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ETC वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन एग्जिबिट विच टाइप ऑफ सिमेट्री, किस प्रकार की सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो ये आपकी बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, द्यू पार्श्व सिमेट्री को। रविराजी जय माता दी, हर हर महादेव। देखिए ऑप्शन में से यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है, वह बिंदु जिसके ऊपर सूर्य होता है, इलिप्स बन रहा है, दीर्घवृत्त बन रही है। ओके ग्रह की कक्षा इस प्रकार से है तो जिस बिंदु के ऊपर सूर्य उपस्थित होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर या फोकस। यदि कि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है, वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सूर्य होता है उस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस, ऑप्शन नंबर डी फोकस आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। आपका जो सर्पी घर्षण बोले तो स्लाइडिंग फर्सन घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ज्यादा होता है या बराबर होता है। दो प्रकार के फ्रिक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, एक तो आपका स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब स्लाइड होते हुए आ रहे हैं, ओके एक आपका है स्टैटिक, स्थिर फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो कौन सा घर्षण ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको जो स्लाइड करते हैं, कोई चीज़ स्लाइड करती है तो इसका मतलब हो गया उसके अंदर आपका घर्षण कम लगता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ऑलवेज स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइड फ्रिक्शन आपका कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज, ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी है जहाँ डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई लेयर्स में स्टोर किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी एक ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज की एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ऑप्टिकल डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पे कई परतों में भंडारित किया जाता है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल डिस्क होगी, चाहे आपकी CD हो, DVD हो, इनमें अलग अलग सेक्टर वगैरह बनते हैं, सेगमेंट्स और फिर अलग अलग सेक्टर्स बनते हैं इसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी है आपकी। आंसर बनेगा इसका 3D, 3D का मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशन, कन्फ्यूजन हो गए, 3D का मतलब यहाँ पर 3 डायमेंशन, ओके 3V में है 3D है ना, होता है ना 2D 3D, उस पर आधारित क्वेश्चन आपका, ऑप्शन नंबर है 3D। आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे केल्विन है, किसको मेजर करने की इकाई है, डेंसिटी, प्रेशर, द्रव्यमान या तापमान, तो केल्विन है वो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में तापमान, टेम्परेचर को अपन केल्विन में मेजर करते हैं। ओके आगे का क्वेश्चन आपका लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
लोई पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा रस्टिंग, रस्टिंग। और जंग लगने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वो कहलाती है गैल्वेनीकरण। जंग लगने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है गैल्वेनीकरण। निम्न में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एलियोवोली संबंधित है? एलियोवोली का संबंध किससे है? एलियोवोली का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन तो आपने देखा देखा होगा, याद करो। एलियोवोली क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा यहाँ पे श्वसन से। ओके, रेस्पिरेशन से संबंधित है, श्वसन तंत्र से संबंधित है, कहाँ पे उपस्थित होता है? लंग्स, फेफड़ों में। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, श्वसन से। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं? सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बाकी जगह तो आपको घिसे पीटे वही मिलते होंगे, रिपीट रिपीट रिपीट। क्लोरोप्रोपेन की बात करें, देखिएगा यहाँ पे टर्म सही है आपकी प्रोपेन, प्रोपेन टर्म सही है सबसे पहले। तो प्रोपेन आया तो किससे बिलोंग करेगा आपका? प्रोपेन आया है तो सबसे पहले आपका बिलोंग करेगा ये एल्केन ग्रुप से। एल्केन ग्रुप का बात करें तो एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला बनता है आपका CnH2n+2। क्लियर है? CnH2n+2 आपका एल्केन ग्रुप का फॉर्मूला बनता है। तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोप हो गया, मैथ, मैथ के बाद में एथ, एथ के बाद में प्रोप। तो इसमें कार्बन एक होता है, इसमें कार्बन दो, इसमें कार्बन तीन। तो प्रोपेन में कार्बन तीन, तो इसमें एन की वैल्यू तीन रखिएगा, तो C3H8 हो जाएगा। अब ये तो आपका C3H8 हो गया प्रोपेन का फॉर्मूला। तो क्लोरोप्रोपेन कितना होगा? इसके साथ में एक क्लोरीन भी जुड़ जाएगा, C3H7Cl बन जाएगा आपका क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन क्योंकि इसके आठ थे तो इसमें से एक कम हो जाएगा, एक बॉन्ड आ जाएगा आपका Cl के साथ में। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो हाइड्रोजन इसके अंदर आपका 7 देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन आपका, अत्यधिक अम्लीय मिट्टी को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास में बहुत ही एसिडिक सॉल्यूशन है, बहुत ही एसिडिक सॉइल है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है। अम्लीय का मतलब जिसकी वैल्यू 7 से बहुत ज़्यादा कम है, 7 से बहुत ज़्यादा कम है, तो अपन किसका यूज लेंगे? ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, और स्लग लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो अम्लीय मिट्टी है उसको उदासीन करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? देखिए ऑप्शन में से यहाँ पे आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दोनों का अपन यूज करेंगे। दोनों के दोनों की प्रकृति कैसी होती है? दोनों की दोनों की प्रकृति क्षारीय है, तो स्लग लाइम एंड क्विक लाइम दोनों का यूज करेंगे। कोई भी आपके पास में अम्लीय मिट्टी है उसको न्यूट्रल करने के लिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आठ नहीं होगा, आठ नहीं हो सकता, क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसके साथ में, बॉन्ड बनना चाहिए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में ऑप्शन यहाँ पे कार्बन है, निकल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। स्टेनलेस स्टील स्टे क्रोमी, तो इसमें क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, स्टील भी होती है, आयरन भी होता है, कार्बन भी होगा इसके अंदर, मैग्नीज भी होगा। आंसर बन जाएगा यहाँ पे सभी के सभी। देखिए ऑप्शन में सभी के सभी आपके प्रेजेंट होते हैं, कार्बन भी होता है, मैंगनीज भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक धातु के चालक का प्रतिरोध, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर। प्रतिरोध पहला कह रहा है कि जो प्रतिरोध होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा, दूसरा कह रहा है कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा, आर समानुपाती ए होगा। ये कह रहा है कि उसके लंबाई के असमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कह रहा है कि आर समानुपाती 1/L होगा। ये कह रहा है कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बनेगा, आर बराबर होता है ρL/A। ओके, तो ये गलत हो जाएगा, आर समानुपाती 1/A होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी परिनालिका के भीतर, परिनालिका अपन बोलते हैं सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? जैसे कि मेरे पास में ये कोई रिंग है इस तरीके से, ओके, और इस तरीके से मेरे पास में कोई रिंग बन रही है, इसके ऊपर मैं कोई भी कॉइल लपेट देता हूँ, ये बन जाती है मेरी सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं।
किसी प्रणालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र, एक छोर से दूसरे छोर पर जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, क्या होगा? वाइल मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इनसाइड ए सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है समान रहता है, ऑप्शन नंबर सी समान रहता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है शोर कुकर, शोर कुकर बोले तो सोलर कुकर, सोलर कुकर में उपयोग के लिए कौन सा दर्पण सबसे उपयुक्त होता है? सोलर कुकर में क्या काम लिया जाता है, अवतल या उत्तल या समतल? ओके, सोलर कुकर, सोलर कुकर में कौन सा काम मिलेंगे अपन, अवतल का काम मिलेंगे। देखिएगा अपन बात करें सोलर का, सोलर है, सोलर कुकर है, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी सूर्य की किरणें आ रही है, एक कंसेप्ट से समझिएगा प्रैक्टिकली, सूर्य की किरणें आ रही है उसका काम क्या होता है, सोलर प्लेट है, अगर सोलर प्लेट की बात करें तो यानी सूर्य की किरणें एक जगह कलेक्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, आपका जो अवतल होता है इसका तो काम होता है एक जगह कलेक्शन करने का, कलेक्ट करने का काम होता है, और उत्तल का काम होता है हमेशा बिखेरने का काम होता है। ओके, जैसे कि अपन बात करें, आपने अवतल ले रहे हो, इस पर आप कोई भी डायग्राम बना रहे हो, तो आप इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो भी आएगी यानी ये कलेक्ट करने की काम करेगा ये, ओके, या इधर जाओगे तो कलेक्ट करने का काम करेगा, एज कम्पेयर टू आप उत्तल की बात करोगे तो कोई भी आई वो इससे टकराई, टकरा के वो बिखरेगी, टकरा के बिखरेगी। ओके, ये होता है दोनों का, तो अवतल यहाँ पे अपन काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों आपके अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं, अर्धचालक के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो दोनों की वजह से होता है, बोले तो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होता है और होल्स की वजह से भी होता है। ओके, दोनों की वजह से होता है, दोनों की वजह से होता है, किसका करंट फ्लो, विद्युत धारा किसकी वजह से होती है, दोनों की वजह से होती है, बोले तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। कुचालक के अंदर करंट का फ्लो किसकी वजह से होता है, करंट का फ्लो ही नहीं होगा, कुचालक है, चालक है, इसमें करंट किसकी वजह से फ्लो होती है, इसमें आपकी जो करंट है वो ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी कंडक्टर में यदि इधर आपकी विद्युत धारा जा रही है तो इलेक्ट्रॉन आपके इसके अपोजिट जाते हैं। ओके, हमेशा जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ओके, और सेमीकंडक्टर के अंदर बात करूँगी तो होल्स का फ्लो इधर होगा, होल्स इधर फ्लो होगी, विद्युत धारा इधर फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट होता है। आंसर बन जाएगा सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है, सेमीकंडक्टर। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, लेमन के अंदर, लेमन के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? जितेंद्र जी, जय जगन्नाथ। बैटरी में अपन काम में लेते हैं, H2SO4 का सॉल्यूशन काम में लेते हैं अपन। आंसर बनेगा यहाँ पे विटामिन सी। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, जिसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी रोग का लक्षण है कि मसूड़ों में ब्लड वगैरह आने लग जाता है। रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, RBC या WBC या हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? ब्लड क्लॉट फॉर्मेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्त का थक्का बनता है किसकी वजह से बनता है, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, RBC, WBC, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, प्लेटलेट्स, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो भी आपका होता है फाइब्रोनोजोन वगैरह। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन आपका है कि जो ब्रायोफिलम है, ब्रायोफाइलम, पौधों का संग हो गया आपका ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम है वो किसके द्वारा जनन करता है, तने के द्वारा, जड़ों के द्वारा, पुष्प के द्वारा या पत्तियों के द्वारा? ब्रायोफाइलम किसके द्वारा जनन करता है, बाई इट्स विच पार्ट ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा लीव्स, पत्तियाँ। ब्रायोफाइलम किसके द्वारा प्रजनन करता है, आंसर बनेगा इसका पत्तियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड्स ऑन विच क्रोमोसोम? शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? ऑप्शन यहाँ पे है XX, XY या दोनों से, या दोनों से, या दादी जी पे, बताइएगा मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, फादर क्रोमोसोम यानी XY, इस वाई की वजह से डिपेंड करता है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, फादर क्रोमोसोम्स।
अगला क्वेश्चन आपका कि जो आपका अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस बोले तो आई लेंस, आंख का अंदर जो भी लेंस है, आई लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो किसकी क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है पुपिल, पुतली, रेटिना, दृष्टिपटल। ऑप्शन दे रखा है आपको सीलियरी मसल या पक्षमाभी मांसपेशी या आयरिस परितारिका। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। अपने लेंस की जो फोकस दूरी, अपना जो आंखों का जो लेंस होता है वो भी अपना जो नॉर्मल कैमरा होता है डिजिटल कैमरा उसकी भांति कार्य करता है। तो डिजिटल कैमरे की जो फोकस दूरी अपन आगे पीछे करते हैं उस लेंस को रोटेट करके, उसी प्रकार से अपने जो आंखों के लेंस है उसके अंदर भी जो फोकल लेंथ है उसको अपन चेंज करते हैं, वो किसकी वजह से होता है यहाँ पे? पुपिल के द्वारा, रेटिना के द्वारा, सिलियरी मसल्स के द्वारा या आयरिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे इसका आंसर बनेगा सिलियरी मसल्स के द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियां। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फोकल लेंथ में चेंज है, और बाकी आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है। तो वहाँ पे अपन टिक लगाते हैं आयरिस के ऊपर, और आयरिस नहीं होता तो वहाँ पे आपको पुपिल देखने को मिल जाता है। आयरिस ही पुपिल को कंट्रोल करके इसको बड़ा छोटा करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? पहला ऑप्शन है आपका मोनेरा है वो एक बहुकोशिकीय जीव है, मोनेरा मल्टी सेलुलर है, प्रोटिस्टा सदैव बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर होता है, फंगी होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फंगी में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती। देखिएगा ये पांच जगत आपका है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, उसके बाद में एनिमिलिया। ओके, एक और बच रहा कौन सा? पांच जगत है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है ये। ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, एक और कौन सा बच रहे हैं? प्लांटिया, एनिमिलिया प्लांटिया ना, ये आपके पांच हो गए, एक दो तीन चार पांच। ये पांच जगत वर्गीकरण दिया था आर एच वीटकर ने, इनके नाम भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सा आर एच वीटकर के एग्जाम्पल में से नहीं है, कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट की बात करें तो फंगी है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, निम्न में से कौन से रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय मेटल टॉक्सिसिटी? मीनामाता रोग मरकरी की वजह से होता है ना, इटाइटाई कैडमियम की वजह से, डर्माटाइज इसको बोलते हैं स्किन रोग, डर्मेटोलॉजी स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन, त्वचा संबंधी बीमारी। आगे का ऑप्शन कहा गया है यहाँ पे मीनामाता और दोनों। कौन सा रोग धातु की विषाक्तता के कारण नहीं होता है यहाँ पे? तो ये आपका जो स्किन रोग है ये आंसर बन जाएगा आपका, मीनामाता मरकरी की वजह से, कैडमियम की वजह से, आपका इटाइटाई, तो स्किन रोग है, स्किन रोग वगैरह आपके अल्ट्रावायलेट वेव्स की वजह से होता है। ओके, स्किन संबंधी अध्ययन किस में किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन, दिए गए ऑप्शन में से कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? ये सभी रेलवे के क्वेश्चन है, अभी जो आ रहे हैं ना आपको थोड़ा थोड़ा धुंधा धुंधा दिख रहा है, ये रेलवे क्वेश्चन है, बुक से स्कैन किए हुए क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा धुंधा दिख रहा है वो। ओके, देखिए ऑप्शन में से कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन। क्या होगा? अमोनिया बनेगा क्या? यह आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी, यह आपकी मीथेन बनेगी, यह आपकी CO2 बनेगी, अकार्बनिक गैस नहीं है। अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, मीथेन। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन आपकी अकार्बनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक नहीं है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक है। आपको पता होना चाहिए, अपन बार बार पढ़ चुके कि गोबर गैस हो गया, ये आपका जो बायोगैस हो गया, इनका मुख्य संगठन क्या होता है? तो उनके मुख्य घटक ही मीथेन होता है। गोबर गैस, बायोगैस, उनका मुख्य घटक ही मीथेन होता है। ये गोबर गैस वगैरह ये कहाँ से बनती है? ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती है, जैसे कि कचरा हो गया, गोबर वगैरह, उनसे बनती है गोबर गैस वगैरह। ओके, तो मीथेन आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा, मीथेन हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक गैस। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकायदा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा
बेसल सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, इनको मैच करना है। तो मैच वाले क्वेश्चन तो बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, क्योटो आपका जापान में हो गया, तो क्योटो आपका संबंधित हो जाएगा ग्रीन हाउस से, सही है। और मॉन्ट्रियल संबंधित जाएगा आपका ओजोन से, मॉन्ट्रियल हो गया ओजोन से। तो बच गया तीसरा, बेसल सम्मेलन हो जाएगा आपका, जो भी आपका वेस्ट डंपिंग है, खतरनाक वेस्ट डंपिंग उनसे संबंधित है। याद कर लीजिएगा, तीनों सम्मेलन क्योटो ग्रीन हाउस गैस से है, मॉन्ट्रियल का संबंध ओजोन लेयर प्रोटेक्शन से है, और बेसल सम्मेलन का संबंध आपका यहाँ पे हेजार्डस वेस्ट डंपिंग, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के स्थानांतरण से। आगे का क्वेश्चन, आपका सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिएगा, ये किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। घास, घास को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी, बताएगा किस प्रकार की श्रृंखला है ये। ये आपकी अपघटन है, डिकम्पोजर, धारक, डेट्राइटस, चारण, ग्रेजिंग, पैरासिटिक, किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ग्रेजिंग फूड चैन, ग्रेजिंग फूड चैन, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजिंग फूड चेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऊष्माक्षेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है, एक्जोथर्मिक, किसमें ऊष्मा निकलेगी, प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन, या वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना, या सभी के सभी। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी के अंदर ऊष्माक्षेपी है। देखिएगा, अपने रेस्पिरेशन होता है वो भी आपकी ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। ओके, जितने भी नेचुरल गैसेज हैं उनका दहन होता है तभी ऊष्मा निकलती है, और जितने भी अपन वेजिटेबल मैटर हैं उनको कंपोस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तभी ऊष्मा निकलती है। कौन सा विलयन सफ़ेद और ब्लैक, ब्लैक और सफ़ेद, क्या कह रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन आपका सिल्वर ब्रोमाइड है, ऑप्शन यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है। देखिए ऑप्शन में से सभी के सभी, सभी के सभी आपके यहाँ पे राइट आंसर है। और सबसे ज़्यादा किस में यूज किया जाता है आपका फोटोग्राफी में, सिल्वर ब्रोमाइड का सबसे ज़्यादा यूज होता है, सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, और ऑल ऑप्शन की बजाय कुछ और हो तो ज़्यादा आपको स्पेटिक लगाना है सिल्वर ब्रोमाइड पे, ऑल ऑप्शन आ गया तो अपना स्पेटिक का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल अपन किसको कहते हैं। जैसे कि ऑक्टेट रूल की बात करें तो जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन कितने नंबर पे होता है, छः नंबर पे हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, क्लियर है। आगे अगर जैसे कि अपन बात करें बोरॉन की बात करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये कितने पे आएगा, 5 पे आएगा। नियोन कितने पे आएगा, 10 पे आएगा। आर्गन कितने पे आएगा, इसके अंदर तो कंप्लीट 18 हो जाएगा। अब देखिएगा, आर्गन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कक्षा में इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोरोन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियोन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, इसका अपवाद को कौन दर्शाता है। अब अगर ऑक्टेट ला देखिए अपन, अपवाद एक्चुअल में ऑक्टेट ला होता क्या चीज़ है, ऑक्टेट ला उसको कहते हैं तत्व बनने के लिए अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेता है, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो उसके साथ में एक संयोजक बना लेता है। जैसे कि बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, अपन एक तुलना करें, ऑक्सीजन कितने पर होता है आपका, 8 पे होता है, ये 8 पे होता है, ये आपका 6 पे होता है। तो इसको तो 4, इसकी बाहरी कक्षा में 4 हो गए, और इसकी बाहरी कक्षा में कितने होंगे, 2 और 6, इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कार्बन और ऑक्सीजन का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन करें कि अपने जो इलेक्ट्रॉन है आपस के जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर ले, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस तरीके से एक शेयरिंग करके ये अपना कंप्लीट बॉन्ड बना ले, ये कहलाता है आपका ऑक्टेट ला कहलाता है।
अष्टक नियम। तो इसका ध्यान रखना, इसका जो एक्सेप्शन देखिएगा, इसकी बाहरी कक्षा में 8 है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके में भी 8 है। एक्सेप्शन आपसे पूछे तो एक्सेप्शन आपको यहाँ पे टिक लगाना है, यहाँ पे 8 8 ऑप्शन नंबर बी। ऑक्टेटला 4 और 8, ये इसका कंप्लीट है कि स्ट्रक्चर स्टेप से बनता है। जैसे कार्बन को 4 चाहिए या इसके पास में 8 है, तो ये 4 4 का एक कॉम्बिनेशन बना लेगा, 4 4 का एक कॉम्बिनेशन बना लेगा दोनों के साथ में। ओके, 4 4 का कॉम्बिनेशन बना लेगा, इसमें भी 2 और 4, 4 प्लस 4 दूसरे के साथ में शेयर करके ये कॉम्बिनेशन बना लेगा। नियोन की बात करें 2 प्लस 8, तो ये भी 8 है, तो इसको भी 4 प्लस 4 करके एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। आर्गन की बात करें, इसकी बाहरी कक्षा में 4, तो ये भी एक 4 प्लस 4 का एक कॉम्बिनेशन बना लेगा। ठीक है, बोरोन की बात करें, इसमें 2 और 3 ही थे, तो इसमें ऑक्टेट बनी रहा। ओके, इसका जो अपवाद को दर्शाता है आंसर बनेगा इस पे बोरोन। आगे का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, समतल दर्पण की स्थिति में निम्न में से कौन आपस में बराबर होता है समतल दर्पण की उपस्थिति में। थोड़ा क्लियर विजिबल नहीं है, बिकॉज अपन ने बुक से स्कैन कर रखे हैं इन बाइलिंगुअल क्वेश्चंस को, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। देखिएगा, समतल दर्पण है, ये आपका अभिलंब होता है, तो ये तो आपका समतल दर्पण है, ये आपका कहलाता है अभिलंब, जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं। ये आपकी होगी आपतित किरण, ये हो गया आपतित एंगल, ये हो जाता है आपकी परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित एंगल। तो यहाँ पे समतल दर्पण की स्थिति में कौन सा कोण आपस में बराबर होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका दोनों बराबर होता है, 1 और 3, आई बराबर आर, दोनों बराबर होते हैं। कौन सा एक विजातीय मिश्रण है, हेट्रोजीनियस, विजाति का मतलब हो गया जिसके अंदर आपको एक तो होता है, यहाँ पे आप कुछ भी ले रहे हो, यहाँ पे अलग रेशियो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको अलग अलग रेशियो देखने को मिलेगा। किसी भी लिक्विड में आपने यहाँ पे कोई क्वांटिटी देखी, यहाँ पे कोई क्वांटिटी देखी, तो उनका अलग अलग मिश्रण देखने को मिलता है, फिक्स रेशियो नहीं होता, वो कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। बोथ सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, विलयन और निलंबन, विलयन और निलंबन, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों किसके एग्जाम्पल है, दिए गए ऑप्शन में से हेट्रोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन आपका ये और ही धुंधा है, इसमें कुछ नहीं है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से मिलकर बना होता है, डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से मिलकर बना होता है। तापमान का वह पाठ्यांक जो फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर बराबर होता है, तो वो कहलाता है -40। ध्यान रखना -40 में दोनों बराबर होते हैं। ओके, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, फिर भी दिख रहा है नहीं दिख रहा, कुछ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा धुंधे हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है आपके विटामिन डी की कमी से, क्वाशियोर्कर रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा विटामिन बी की कमी से होता है आपका बेरीबेरी रोग, विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी रोग। कठोर व्यायाम करते समय हमारे पैरों में किसका कलेक्शन होने के कारण ऐंठन होती है, किसका कलेक्शन होने की वजह से ऐंठन होती है। हेवी एक्सरसाइज के दौरान पैरों के अंदर किसका कलेक्शन हो जाए, ऑप्शन है यहाँ पे CO2, ऑप्शन यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ऑप्शन एल्कोहल, ऑप्शन जल। ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हमारे पैरों के अंदर लैक्टिक एसिड का कलेक्शन होने की वजह से ऐंठन होती है, दर्द होता है, लैक्टिक एसिड। निम्न में से किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता है, हीमोग्लोबिन एज मैक्सिमम एफिनिटी, हीमोग्लोबिन किसके साथ में सबसे ज़्यादा है, बिल्कुल 720 का नहीं है, 360 पे कर रखा है ताकि आपके कमेंट बिल्कुल मेरे को इंस्टेंटली दिखने लग जाए। ओके, बाद में स्पीड डाउन हो जाती है। किसके साथ हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्शन करता है, तो इंसान की साइलेंट डेथ होने लग जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है, ये इसको डाउन कर देता है और इंसान की मौत हो जाती है, इसीलिए बंद कमरे में कोयला जला के नहीं सोना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, यूनिसेलुलर, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, ऑप्शन है यहाँ पे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, कौन सा यूनिसेलुलर नहीं है, 4 में से 3 आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में हाइड्रा। इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी तो आपको मिल जाएंगे। देखो ये देवदर्शन हो गए आज कई दिनों बाद। निम्न में से कौन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, देखिएगा ये क्वेश्चन आज रखा है और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार भी आता है।
देखिए ऑप्शन में से कौन आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका आयरिस के साथ में ऑप्शन नंबर ए आयरिस। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस, कोल्ड खांसी, एड्स या डेंगू फीवर। देखिए ऑप्शन में से ये आपके वायरस के एग्जांपल हो जाएंगे, तो ये हो जाता है आपका ट्यूबरकुलोसिस। कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पूजा राघव जी कहाँ गायब थे इतने दिन। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से। पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा किसका कारण बनती है, फ्लोराइड, फ्लोराइड की वजह से क्या फेफड़ों का रोग होता है, या आंतों का संक्रमण होता है, या दांतों का मॉटलिंग होता है, या कोई भी विकल्प नहीं। तो पीने का पानी स्पेशली दांतों को इफेक्ट करता है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे मॉटलिंग ऑफ टीथ, दांतों के ऊपर परत चढ़ने लग जाती है, मॉटलिंग ऑफ टीथ, दांतों का परतदार बनना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, रिड्यूस रीयूज एंड आर द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को सेव करने का, एनवायरमेंट को सेव करने के लिए अपन किसी चीज़ को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, चाहे पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को अपन रीयूज कर सकते हैं, तो आगे रिसाइकल कर दें, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, ऑप्शन नंबर सी। 3 R है, 3 R है टू सेव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट डे 5 जून। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदें कहलाती है, फाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर लिक्विड ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदे कहलाती है, तो इसका आंसर बनेगा एरोसोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एरोसोल। वायु में निलंबित छोटे छोटे ठोस कण अथवा तरल की बूंदों को क्या कहते हैं अपन, उनको कहते हैं एरोसोल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा पिरामिड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज वाले पेपर के अंदर एनवायरमेंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा शामिल हो गए आपके, बट कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है और 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे भी जाएंगे। उल्टा पिरामिड देखिएगा, एक पिरामिड तो इस तरीके का बनता है, एक पिरामिड आपका इस तरीके का बनता है, तो ये उल्टा किसमें बनता है, ओके, उल्टा बनता है इसमें, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिटरी कंज्यूमर, इस तरीके की बात हो रही है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका उल्टा पिरामिड बनता है, तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आपके जलीय है, जलीय का बनता है हमेशा उल्टा पिरामिड, ध्यान रखना, और स्थल वाले प्राणियों का बनता है सीधा पिरामिड, ओके। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक विद्युत सुचालक का गुण है जो इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। बताइएगा, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेलोक्टेंस या परमियंस। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी रेजिस्टेंस। और रेलोक्टेंस किसके लागू होता है, कोयल और कैपेसिटेंस के लिए लागू हो जाता है आपका रेलोक्टेंस, प्रतिघात अक्सल, रेलोक्टेंस अक्सल। ओम किसकी ऐसा इकाई है, ये हो जाएगा ओम, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की इकाई है। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता, बताएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, किस पदार्थ की प्रतिरोधकता उच्चतम होती है, तो बताएगा कुचालक, चालक, अर्धचालक या चालक। बताएगा देखिए कौन इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। किस, ये क्वेश्चन जल्दबाजी में एग्जाम में गलत हो जाता है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाइएस्ट रेजिस्टिविटी, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक के साथ में कुचालक, ऑप्शन नंबर एक कुचालक। रेजिस्टिविटी अपन बोलते हैं रो को, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी रेजिस्टिविटी, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे कुचालक, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, इंसुलेटर।
अगला क्वेश्चन आपका, यदि 220 वोल्ट के एक लैंप का प्रतिरोध 100 ओम है तो शक्ति क्या होगी? वोल्टेज आपको दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 100 ओम, पावर की वैल्यू क्या बनेगी? तो पावर के तीन फॉर्मूले बनते हैं, एक तो बनता है सिंपल सा वी इंटू आई, एक बनता है वी स्क्वायर बाई आर, एक बनता है आपका आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपको वी और आर दे रखा है, तो वी और आर वाला फॉर्मूला ले लीजिएगा, वी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर का, तो वी स्क्वायर कर दीजिएगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 अपॉन में 100, ये कैंसिल आउट, 22 और 22 मल्टीप्लाइड करेंगे 484। आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 484। आगे का क्वेश्चन आपका, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है, बताइएगा। देखें सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आती है उनको अवशोषित कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है या ओजोन होल करता है या ग्रीन हाउस गैसेज करती है, बताइएगा। देखें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने का काम कौन करता है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 774, तो यहाँ पे आपका काम करता है ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, समता मंडल, क्योंकि ओजोन लेयर इसी में पाई जाती है आपकी, ओजोन लेयर। यहाँ पे ओजोन होल है, जल्दबाजी ध्यान रखना। ओजोन होल कहाँ पे पाया गया? अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया। तो ओजोन लेयर समता मंडल सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से रोकती है, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। ओजोन होल, ओजोन होल होगा तो वो तो सीधी आ जाएगी, रोकेगी कहाँ से? ओजोन होल तो सीधी आ जाएगी होल से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार किसने किया? ईसीजी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी हार्ट के लिए काम में ली जाती है आपकी। इसका आंसर बनेगा आपका एंथोवेन, विलियम एंथोवेन। ईसीजी का आविष्कार किसने किया? आंसर बनेगा विलियम एंथोवेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी होती है? ऑक्सीजन से भारी कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मिथेन या हीलियम या CO2? ऑक्सीजन से भारी होती है ऑक्सीजन, O2, आठ और सोलह। तो यहाँ पे देखिएगा, दो तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा, 16 दूनी 32 प्लस एक अपन कार्बन का ले ले 12, इसका तो भार इतना हो गया। नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 17 बन रहा है, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, यहाँ पे 16, हीलियम का 4 होता है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा भार आपको देखने को मिल रहे हैं? आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, CO2 के अंदर, ऑप्शन नंबर है CO2। अगला क्वेश्चन आपका, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? हिमा दास जी कहाँ पे गायब हो? आप ही तो बाइलिंगुअल कंटेंट की डिमांड कर रहे हो, आप ही दिख नहीं रहे। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया? वैक्यूम पंप, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? निर्वात पंप, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ऑटो वॉन गैरिक के साथ में, ऑप्शन नंबर ए ऑटो वॉन गैरिक। RBC एडल्ट्स के अंदर, ध्यान देना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी आपका जल्दबाजी भारी पड़ जाती है। यहाँ पे टर्म्स लिखा हुआ है एडल्ट्स और एक होता है बेबी। RBC का निर्माण कहाँ पे होता है एडल्ट्स में? तो एडल्ट्स में तो आप सभी को पता है बोन मैरो में होता है, ओके, बोन मैरो। और बेबी में कहाँ पे होता है? स्प्लीन में, लीवर में, स्प्लीन में। तो यहाँ पे RBC आपका राइट आंसर बन जाएगा, बोन मैरो, अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा की भी देखिएगा अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पे, लाल, नीला, सफ़ेद, काला। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे लाल अस्थिमज्जा। और कब्रिस्तान बोलते हैं स्प्लीन को, प्लिया को। O2 ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे 16 इंटू 2 32 बन रहा है, अमोनिया में 17 ही बन रहा है, अमोनिया में 17 ही बन रहा है, ऑक्सीजन में 32। दो एटम होते हैं ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका डाई एटोमिक का एग्जांपल है, डाई एटोमिक का एग्जांपल होता है ऑक्सीजन। सिंगल का होता है 8 और 16।
बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहते हैं? पहले वो क्वेश्चन आया था आपका, पहले बनने वाला एक क्वेश्चन पहले आया था आपका स्टार्टिंग में, जिसमें था पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहते हैं, और अब पूछा गया आपका दूसरा, तो आंसर बन जाएगा मेटा जाइलम। बाद में बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व क्या कहते हैं, तो आंसर बन जाएगा मेटा जाइलम, और पहले प्रोटो जाइलम, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेटा जाइलम। विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? इन साइंस से पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन साइंस से पुश आर पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पिक लिफ्ट फोर्स सट, आंसर बनेगा यहाँ पे फोर्स, ऑप्शन नंबर सी फोर्स। मानव में वाक्तंत्र में कितने वाक्तंतु होते हैं? देर आर हाउ मैनी वोकल कार्ड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स, ह्यूमन वॉइस बॉक्स के अंदर कितने वोकल कार्ड होते हैं? ह्यूमन वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कार्ड होते हैं? वोकल कार्ड तो दो वोकल कार्ड होते हैं, टू वोकल कार्ड होते हैं, ठीक है। तो अपने गले का ध्यान रखा करो, वोकल कार्ड खराब हो गए तो बोली बंद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका, किसकी विशेषता दो संगत सेलों के बीच दूरी बताती है? पिक्सल में द एट्रीब्यूट ऑफ विच स्पेसिफाइज इन पिक्सल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, दो सेल्स के बीच में पिक्सल में, ओके पिक्सल आप समझते हो, जैसे कि आपको ये अभी बात ही कर रहे हो, धुंधा दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, पिक्सल बढ़ा देंगे तो वो पास पास में आ जाएगा और क्लियर दिखेगी। तो दो सेल्स के बीच की जो दूरी है किसकी विशेषता है? सेल स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर डी सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग है एक विशेषता है जो दो संगत सेलों के बीच की दूरी को बताती है, सेल स्पेसिंग। चींटी के डंग में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? अम्ल कौन सा है? तो यहाँ पे आपका अम्ल है फॉर्मिक एसिड, और इसका एंटीडोट क्या है, काट क्या है इसका, एंटीडोट है आपका NaHCO3, बोले तो अपना बेकिंग सोडा, एंटीडोट है बेकिंग सोडा। साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? देखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दे सकता है, ऑप्शन नहीं है क्या? अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे आपके पास में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है आपके पास में, आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बताइएगा। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो साबुन में आपको देखने को मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है आपका? ऑप्शन नंबर एक के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और धावन सोडा का फॉर्मूला क्या बनता है? धावन सोडा का फॉर्मूला बनता है आपका Na2CO3, धावन सोडा Na2CO3। वायु, भूमि, जल या मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैवीय अभिलक्षणों में होने वाला एक अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? अवांछनीय परिवर्तन, अपन चाहते नहीं है और एक परिवर्तन हो, चाहे वायु हो, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, चाहे मिट्टी हो, उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार का अनडिजायरेबल चेंज होता है, अनडिजायरेबल चेंज, चेनाराम जी वेरी गुड मॉर्निंग, अनडिजायरेबल चेंज, तो अनडिजायरेबल चेंज कहलाता है आपका पॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी पॉल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज पॉल्यूशन। रंगीन फोटोग्राफ की खोज किसने की? कलर फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी के खोजकर्ता कौन है? कलर फोटोग्राफी के खोजकर्ता है मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट या एरिथ्रोसाइट, या ये तो प्लेटलेट्स हो गया, या क्या थ्रम्बोसाइट। अदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन नंबर डी थ्रोम्बोसाइट। तने में, तने बोले तो स्टेम की बात हो रही है, पेड़ पौधे में, तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, ध्यान देना है, प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता है, मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। प्राइमरी क्या था? प्राइमरी था आपका प्रोटोजाइलम, और दूसरा क्या बनता है? मेटाजाइलम। आपका जाइलम है, जाइलम की प्राइमरी स्टेज, जाइलम की प्राइमरी प्रोटो, सेकेंडरी दूसरी स्टेज मेटाजाइलम। तने के अंदर प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है और मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है, इस प्रकार के जाइलम को क्या कहते हैं? ओके तो इसको कहते हैं अपन एंडार्क, ओके तो काफी ज्यादा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं अपने।
प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम आपका परिधि की तरफ। और इस प्रकार का जो होता है जाइलम, इस जाइलम को अपन कहते हैं एंडार्क, मध्यादिदारुक। अगला क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट तो कौन सा है? फर्स्ट वाला लार्जेस्ट तो आपका हो गया आर्थ्रोपोडा, वो तो ऑप्शन में नहीं है। सेकंड आपसे पूछा गया है सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्क। और मोलस्क आपका फर्स्ट लार्जेस्ट भी है, किस कैटेगरी में? जलीय कैटेगरी के अंदर, समुद्री जीवों की कैटेगरी में सबसे बड़ा आपका मोलस्क। और वैसे ओवरऑल की बात करें तो मोलस्क आपका दूसरे नंबर पे है, ओवरऑल पे मोलस्क दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए समुद्री जीवों में सबसे बड़ा संघ, तब आपका आंसर बन जाएगा मोलस्क नंबर वन। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? गतिशील है तो गतिशील, स्थिर है तो स्थिर, न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो यहाँ पे अपन टिक लगाने वाले हैं जड़त्व के ऊपर, इनर्शिया के ऊपर। स्थिर है तो स्थिर, गतिशील है तो गतिशील, इनर्शिया। सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उससे सरल लोलक का क्या कहते हैं? समय की बात हो रही है तो यहाँ पे चाल तो अपन लेंगे नहीं। सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है, उस सरल लोलक का क्या कहता है? वो तो वो कहलाता है आपका आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर सी, आवर्तकाल। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके क्या उत्पन्न करते हैं? आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ में आप किसी भी धातु को रिएक्शन करवा रहे हो, किसी भी मेटल को। ओके, मेटल कहाँ पे होती है? ग्रुप वन और ग्रुप टू, इनके अंदर आपकी मेटल्स पाई जाती है। मेटल्स काफ़ी सारी होगी, हैली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, इधर हो जाएंगे बेटा मांगे कार सुंदर बाप रोवे, ठीक है? तो इस तरीके से अपन, तो ये आपके ग्रुप वन और ग्रुप टू। पीरियोडिक टेबल में वैसे आपकी जिगजैग लाइन के इधर जो भी है वो आपके मेटल्स हैं। ये आपकी क्षारीय मेटल है, क्षारीय मर्दा मेटल्स है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने पर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल सही जवाब दिया, एस ब्लॉक। ओके, एस ब्लॉक बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस। चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? लाइम वाटर। चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चूने के पानी में लाइम वाटर में क्षार पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण किस शैवाल की अतिशय वृद्धि होती है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर आल्सो कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच एल्गी? किस प्रकार के शैवाल की वृद्धि होती है? तो किस प्रकार के शैवाल है, जब उनको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो किस प्रकार के शैवालों की वृद्धि होगी? तो यहाँ पे आपका है पलवकीय शैवाल, प्लांकोटोनिक, प्लांकोटोनिक नामक शैवालों की वृद्धि होगी जब उनको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कारकर्ता कौन है? आंसर बन जाएगा यहाँ पे पिरोतोस्की, फ्योदर पिरोतोस्की। इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कारक कौन है? तो आंसर बन जाएगा फ्योदोर पिरोतोस्की, ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, ऐसा अगर डीपली पेपर आ गया तो। लोयन लियोपार्ड टाइगर, ये सभी के सभी किस प्रकार के जीन से संबंधित है बताइएगा। पहले क्वेश्चन आया था आपका कि आपका जो आलू है टमाटर है बैंगन है ये सब किससे संबंधित है, तब अपन ने टिक लगाया था सोलेनम पे। अब की बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास अपनी स्टार्ट होती है जनरल साइंस 7:15 पे। पूजा राघव जी ने सोचा साइंस तो अपनी अच्छे से स्ट्रांग हो गई, अब क्या करना है। साइंस होती है 7:15 पे, जीके होती है अपनी डेली 9:00। ओके, और आज एक इंपॉर्टेंट सेशन भी है 12:00 से, ध्यान रखना, जिसमें NTPC 2016 के कंप्लीट जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं, है हिंदी में वो क्वेश्चंस।
एनटीपीसी 2016 के कंप्लीट जनरल साइंस के क्वेश्चंस का सेशन होगा 12 बजे से। ओके, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में पैंथरा। कंफ्यूजन हो जाओगे टिग्रिस और पैंथरा में। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी पैंथरा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विच आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमी मेटस सेल्स, यानी कौन सा है जो स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये प्राय फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दूसरे फ्लोएम में पाए जाते हैं। दे आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम बट आर फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। शुभम जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आंसर बनेगा यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स ऑप्शन नंबर ही आपका राइट आंसर बनेगा, फ्लोएम फाइबर्स। और ओके, ऑप्शन नंबर ए फ्लोएम फाइबर्स, जो प्राइमरी फ्लोएम में नहीं पाए जाते लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अपन फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम का काम होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। बल की प्रबलता प्राय इसके किससे मापी जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। आंसर बन जाएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड। प्रबलता की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो अपन किसके द्वारा मेजर कर सकते हैं, किस में मेजर कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड जैसे कि 5 न्यूटन। अब एक चीज समझिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, देखिएगा 5 न्यूटन, तो इसमें ध्यान देना है। एक आपको फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशि, क्लियर है, भौतिक राशि। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है किसका, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड होता है, और ये आपका जो न्यूटन लगा है अपने आगे, ये कहलाता है आपका यूनिट। और इस तरीके से 5 न्यूटन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका Mg+O2 किसका निर्माण करेगा, MgO का निर्माण करेगा। Mg+O2 MgO, अम्ल और क्षार। हमारे दादाजी जी के अपने पास में हिंदी में ये है, समस्या यही हो रही है, बाइलिंगुअल बहुत कम है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं। अम्ल बोले तो NaCl, क्षार बोले तो NaOH, इनके बीच होने वाली रिएक्शन क्या कहलाती है। आंसर बनेगा यहाँ पे उदासीनीकरण। दोनों उदासीन हो जाते हैं, एक तो साल्ट बन जाएगा, एक आपके पास में पानी बन जाएगा, उदासीन का एग्जाम्पल है। प्रोटोन के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड, मिशर, बेकुरल, केवेंडिस। अब देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर रदरफोर्ड दे रखा है, यदि आपके पास में गोल्ड स्टीन भी ऑप्शन में हो, यदि गोल्ड स्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में हो, तो आपका जो मोस्ट करेक्ट होगा गोल्ड स्टीन, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा सिंपल सा रदरफोर्ड के साथ में। हेनरी बेकुरल ने खोज की थी रेडियोधर्मिता की, रेडियोधर्मिता। ओके, और रेडियम की खोज किसने की, रेडियम की खोज की गई थी मेरी क्यूरी के द्वारा। मेरी क्यूरी ने रेडियम की थी, रेडियो बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने की थी रेडियोधर्मिता। हेनरी केवेंडिस, केवेंडिस ने किसकी की थी, हाइड्रोजन की खोज। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम या ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। ये लो, देखिएगा पहली बात तो यहाँ पे पूछा गया है, एक कौन सा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन होता है कहाँ से, जेलेडियम से, जिसका प्रोडक्शन जेलेडियम से होता है और ग्रेसिलेरिया से होता है। जेलेडियम हो गया और ग्रेसिलेरिया से प्रोडक्शन होता है, और उसका यूज किया जाता है कुछ जीवाणु के संवर्धन में और आइसक्रीम और जेली के निर्माण में। एगार, क्लोरेला, स्पिरुलिना या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा एगार। तो क्वेश्चन कई बन रहे हैं, एगार का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, एगार का प्रोडक्शन होता है जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। यूज किस में आता है, जितने भी आपके सूक्ष्म जीव है उनके संवर्धन में आता है, आइसक्रीम बनाने में काम आता है, जेली बनाने में काम आता है एगार। आगे क्वेश्चन देखिएगा, फित्ताकर्मी को अपन बोलते हैं टेनिया, और आपका जो लीवर फ्लूक होता है इसको बोलते हैं अपन फेशियोला। ये दोनों कौन से संघ के एग्जाम्पल हैं। तो सोच रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हुए जनरल साइंस को एक बार थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट कर दें, टॉपिक वाइज MCQ, ताकि हर टॉपिक के पीछे का क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ा के अपन, लेकिन क्वेश्चन होंगे अपने हिंदी में ही।
बायलिंगुअल नहीं होंगे, टॉपिक वाइज वाले हैं। और क्वेश्चन संख्या बढ़ा के एक एक टॉपिक इस तरीके के अपन फिर से कवर कर लें। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका प्लैटी हेलमेंथीज के साथ में, प्लैटी हेलमेंथीज ऑप्शन नंबर बी। फिताकर्मी और प्रणकर्मी, टीनिया एंड फेसिकोला, फेसियोला ये किसके एग्जाम्पल है? तो आंसर बनेगा प्लैटी हेलमेंथीज के। श्वानी जी वेरी गुड मॉर्निंग। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 ग्राम है, 60 किग्रा है, तो उसका वजन क्या होगा चांद पे? वेट ऑन द मून। मास आपको दे रखा है, मास आपका 60 केजी है। ओके, इट्स वेट ऑन द मून। अब बताइएगा, आपको पता ही नहीं पृथ्वी पे कितना वेट बनेगा। सबसे पहले पृथ्वी पे वेट निकालिएगा, पृथ्वी पे आपका जो भी वेट है उसका 1/6 कर दीजिएगा। पृथ्वी पे जितना भी वेट है उसका 1/6 कर देंगे। पृथ्वी पे ग्रेविटी होगी आपकी जी 10 होगी अप्रोक्सीमेट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो पृथ्वी पे वेट हो जाएगा उसका 60 × 10 बोले तो 600। क्लियर है? मास 60 किग्रा है, पृथ्वी पे ग्रेविटी होगी आपकी 10, तो पृथ्वी पे भार हो गया 600 न्यूटन। चंद्रमा पे चले तो इसका 1/6 कर देते हैं, तो यानी 600 का 1/6 100 ऑप्शन नंबर सी। बालाजी का लाडला है मल्ले, बिल्कुल राम राम जी। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो देख लीजिएगा दोबारा से। पृथ्वी पे ग्रेविटी होती है अप्रोक्सीमेट 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चांद पे ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? चांद पे ग्रेविटी हो जाएगी 10/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास में ग्रेविटी आ गई, मास आपके पास में है, चांद पे भार हो जाएगा 60 × 10/6। ऐसे भी कर सकते हो, 6 से ये कैंसिल, 100 न्यूटन आपका आंसर बन जाएगा। आपने 600 और 10 ये रट रखे हैं, साइंस रटने से काम नहीं देगी। आपके दिमाग में एक ही बैठ रखा है, 600 या 10। वाहनों का जो पीछे का हिस्सा साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दिस साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स? तो ये तो सिंपल सा है, बार बार रिपीट हो रहा है, कन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। उत्तल ऑब्जेक्ट की साइज को डिमिनिश कर देते हैं और आपकी डिमिनिश कर देता है और फील्ड ऑफ व्यू आपका बढ़ा देता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? बालाजी का लाडला आपको भी नीला कलर मिल जाएगा, धीरज रखिएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? तो सिंपल सी बात है, पानी मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी पानी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये तो आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्षार हो जाएगा इनकी रिएक्शन से NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है, लवण के साथ क्या बनता है? लवण NaCl हो गया, पानी इनका H2O हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे है गलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द मेल्टिंग आल्सो कॉल्ड? गलने की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? गलने की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा फ्यूजन, संगलन। ऑप्शन देख लीजिएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आल्सो कॉल्ड सलयन? इसमें भी तो यही होता है ना, छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल भी अपन समझ सकते हैं, फ्यूजन, शलयन, संगलन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? मेजर एबायोटिक फैक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर एबायोटिक फैक्टर? कौन सा प्रमुख अजैव कारक नहीं है? टेम्परेचर, जल, प्रकाश और वायु। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका एयर, ऑप्शन नंबर डी एयर। अजैव कारक नहीं है एयर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? पूजा राघव, हिम्मा दास, स्वानी शिवानशी, रविराज, बालाजी का लाडला। आंसर बनेगा यहाँ पे हम्फ्री डेवी। पोटेशियम है हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबाउ द फोकस। अर्थ की सरफेस के ऊपर, फोकस के जो ऊपर होता है उसका निकटतम स्थान क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, इन सेंटर, एपी सेंटर, सरकम सेंटर। द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस अबाउ द फोकस। सुलेखा कुमारी जी वेलकम।
आंसर बनेगा यहाँ पे एपिसेंटर, एपिसेंटर आपका राइट आंसर बनने वाला है यहाँ पे। उद्गम केंद्र के या फोकस के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। भूकंप आता तो कहते हैं ना उसका एपिसेंटर वहां पे है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं शुक्रवाहिकाएं, अधिवर्षण, शुक्रवाहक और क्या? द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड वास एफरेंसिया, एपिडेमिस, वास डेफरेंस एंड विच टाइप। देखिएगा ये सभी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्ट्स के नाम, ओके। और रेलवे एग्जाम में कई बार इनको हिंदी में सेम एज इट इज लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ पे तो हिंदी कन्वर्जन से आपको पता चल जाएगा, तो इनका हिंदी भी सेम इस तरीके से लिख देता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा और क्या क्या, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे रेटेड टेस्टिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है, मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब उसे कहते हैं, एक बार तो अपन कंप्लीट टॉपिक वाइज कर चुके हैं। और कितने एमसीक्यू है थोड़ा धीरे से रखिएगा, आज थोड़ा सेशन अब बढ़ाते हैं अब धीरे धीरे, ताकि अपने जल्दी क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन तो बहुत है पहले इसमें, फाइल में तो बहुत सारे हैं, और फाइल में तो आपको 1500 की समथिंग है, अपने को समाप्त कहाँ पे करना है वो देखते हैं। तो इनको कहते हैं अपन इंटरकालरी, अंतर्वेशी। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है, स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे अपन परमानेंट की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं मैच्योर टिश्यूज की, ओके। मैच्योर टिश्यूज की बात हो रही है, इनको कहते हैं अपन अंतर्वेशी। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस फाइलम को चपटे कर्मी भी कहा जाता है, फ्लैट वर्म है। कौन सा फाइलम है, फाइलम का मतलब यहाँ पे संघ की बात हो रही है, ना कि उनकी बात हो रही है, फाइलम जाइलम फ्लोएम उनकी नहीं हो रही, फाइलम संघ की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, चपटा कर्मी भी कहा जाता है, मोलस्का, कॉर्डेटा या कटेनफोरा या आपके प्लैंथे हेलमेंथीज। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे प्लैटी हेलमेंथीज, ऑप्शन नंबर डी। इनको अपन चपटे कर्मी भी कहते हैं, फ्लैट वर्म भी कहते हैं, प्लैटी हेलमेंथीज। ये किसका सूत्र है, एक आपको दिया गया है कि एवरेज वेलोसिटी आपको दे रखी है यू प्लस वी बाई टू, ये है औसत चाल। इसके अंदर यू क्या है, यू क्या अंतिम वेग है, या इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, या इनिशियल वेलोसिटी है, या फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। तंतु की लंबाई कितनी होती है, तब अपन ने टिक लगाया था 20 mm। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वोकल कार्ड इन वोमेन आर देन वोकल कार्ड इन मैन, लंबा होता है छोटा होता है क्या होगा, फीमेल का पूछा गया है। ये तो अपन ने पहले देखा था, पहले क्वेश्चन आया था आपका स्टार्टिंग में, मेल के अंदर वोकल कार्ड की लेंथ होती है 20 mm, ओके। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 5 mm छोटा, तो फीमेल में हो जाएगी 15 mm वोकल कार्ड की लेंथ। और कितने वोकल कार्ड होते हैं, वो वोकल कार्ड होते हैं, ओके, दो वोकल कार्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। चलो 820 पे समाप्त करते हैं इस सेशन को, चार क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर समाप्त करते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपका टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन, किस फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आंसर बनेगा यहाँ पे रेयॉन, कृत्रिम सिल्क किसको कहा जाता है, रेयॉन के, कृत्रिम सिल्क रेयॉन, ऑप्शन नंबर बी। अरुण ग्रह की खोज किसने की, यूरेनस, खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता कौन है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पे विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल, ऑप्शन नंबर सी विलियम हर्सेल, अरुण ग्रह की खोजकर्ता विलियम हर्सेल। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः है सिलिका और किससे मिलकर बनी हुई होती है, महासागर की प्रॉपर्टी सिलिका और किससे मिलकर बनी हुई होती है, यहाँ पे आंसर बनेगा मैग्नीशियम, मैग्नीज चाहिए तो मैग्नीशियम। महासागर की बात हो रही है, ओशियन की बात हो रही है, ओशियन का जो भी क्रस्ट होता है वो मिलकर बना हुआ होता है सिलिका से और मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन, मूल, मूल बोले तो रूट्स,
रूट्स में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, ये क्वेश्चन देना, प्रोटोजाइलम आपका परिधि की ओर, और प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, परिधि बाहर की तरफ होती है, और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को क्या कहते हैं? पहले भी अपने लगाया था ना, ऐसा ऑप्शन आया था आपका मध्यदिधारुक, ओके, इस पे आंसर बन जाएगा भाई, इस बार आंसर बन जाएगा भाई, ये क्वेश्चन पीछे आया था, ओके, अपन ने दारुक बात की थी, मध्यदारुक एंडार्थ, ये क्या है इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये आप इस तरीके से समझ लीजिएगा, ये तो आपकी परिधि हो गई, और ये आपका इसका सेंटर मान सकते हो आप, ये आपका केंद्र हो गया, क्लियर है। अब देखिएगा, रूट में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर, यानी प्रोटोजाइलम तो आपका परिधि की ओर हो गया, और आपका मेटाजाइलम, मेटाजाइलम आपका सेंटर की तरफ, ये सेंटर की तरफ हो गया, ये तो कहला था ए का, याद कर लीजिएगा, ये तो कहला था आपका बाहे, ओके, और एक दूसरे का उल्टा कर दीजिएगा। अब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद कैसे करोगे, एक कंडीशन तो ये बनती है, तो ये तो कहलाती है आपकी बाय। अब देखिएगा, बाय का मतलब, बाय इसमें पी, पी अपन पेरी की तरफ जा रहा है, यदि आपका पी पेरीमीटर की तरफ जा रहा है, पी पेरी की तरफ जा रहा है, एक को याद कर लीजिएगा, दूसरे को छोड़ दीजिएगा, यदि पी आपका पेरी की तरफ जा रहा है, पेरी बाहर की तरफ है, तो इसको अपन बोल देंगे एक्स, क्लियर, एक्स यानी अपन बाहरी सरफेस को, तो इसको अपन रिलेट कर देंगे एक्स आर्क बाय आदिदारुक, क्लियर है। यदि आप पी अंदर आ रहा है, पी अंदर आ रहा है आपका, तो इसको अपन बोल देंगे एंड इंटरनल साइट एंड आर्क, क्लियर है। इसमें पी अंदर की तरफ होगा और एम आपका परिधि की तरफ होगा, एक को याद कर लीजिएगा, दूसरे को उल्टा कर दीजिएगा, पी बाहर की तरफ, ओके, पी है क्या है, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका सेकेंडरी इसमें, ओके, इस सेशन को अपने यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट में, डेली बेसिस पे 7:15 AM पे, 7:15 AM अपना जनरल साइंस है, और 9 बजे डेली अपना जीके है, आज वाला जीके सेशन अपना होगा 10 बजे, ओके, और 12 बजे आज का NTPC स्पेशल वीडियो है जनरल साइंस का, ओके, चलो धन्यवाद, थैंक यू, बाय, मिलते हैं जीके सेशन में 10 बजे।